दोस्तों भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका से दूसरे दिन में इतने रनों से जीता दूसरा टेस्ट मुकाबला, और इस मुकाबले को जीतने के बाद तोड़ दिया 140 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड और अफ्रीका को उसके ही घर में कुत्ते की तरह पीट डाला। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को कैसे रौंदा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 55 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाए। मगर दोस्तों इंडिया की टीम अपनी पहली पारी में 153 रन लगा पाई 10 विकेट खोने के बाद, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम है यानी अपनी सेकंड पारी में 176 रन स्कोर पर लगा पाई 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा एडम मार्करम ने 106 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा भारतीय टीम ने 12 ओवर तक कर लिया 80 रन स्कोर पर लगाकर 3 विकेट खोने के बाद, और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया, और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। बस गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया के लिए कांग्रेचुलेशंस लिखना बिल्कुल ना भूलें।